एक्चुअली मैम, आप जब नोट्स देते हो तो आप उसमें पीरियड मेंशन करते हो कि इस पीरियड से इस पीरियड तक। मैं उसके भी एक पर्टिकुलर नोट्स बना के चलती थी। ओके, उसका आपने अलग से याद कर रखा था? हाँ, कि इस पीरियड में ये है, ये राइटर है, इन्होंने ये नॉवल लिखा हुआ है। तो मैं अगर कोई कोई नॉवल ऐसे थे जिसमें प्रोवाइड नहीं किया गया था तो फिर मैं उनको गूगल कर लेती थी कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था। तो फिर मैंने उसके नोट्स बना रखे थे, और जैसे मैं खाना खा रही हूँ या फिर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो मैं सोचती रहती थी कि यार ये नॉवल कब आया था, इनका नॉवल था ये कब आया था। तो फिर ये सब चीजें, मतलब ऐसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। How are you? I am good too. So this is going to be a special session which is all about you. So I would first want to congratulate you for clearing the exam. And I would want to know more about you, like where are you from and what have you done in your bachelor's, master's? How has been your journey? So please go ahead. Actually, main Anumodika Pushkar hoon. अमरोहा से बिलोंग करती हूँ, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से। और मैम, मैंने ग्रेजुएशन टेक्निकल स्ट्रीम में किया, मैं बीटेक स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 साल बैंक के एग्जाम दिए थे, आई क्लियर मोस्ट ऑफ द एग्जाम, प्री एग्जाम बैंक के। उसके बाद मैं मेंस में, मतलब पॉइंट पॉइंट मार्क्स से रह जाती थी, तो फिर मेरा बैंक पीओ नहीं हो पाया किसी रीजन से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमए में, देन उसके बाद मैंने 2 बार नेट का एग्जाम दिया था। फर्स्ट टाइम मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड टाइम आई क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। वंडरफुल, वंडरफुल। सो व्हाट डू यू डू अभी राइट नाउ? एक्चुअली आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, यस मैम। ओके, ग्रेट। एंड व्हेन डिड यू गिव योर फर्स्ट नेट एग्जाम? इन 2020 I gave my first exam. After that, I gave the exam in 2022 and qualified for JRF. For NET and JRF both. Great, great. So, what was the difference between the first and the second attempt? Was there a difference in the preparation? Actually, ma'am, first, जो मैंने exam दिया था, तो मुझे उसके बारे में, मतलब बिल्कुल idea नहीं था कि syllabus क्या रहता है, कैसे questions आते हैं, मुझे कोई idea नहीं था, मुझे कोई guide करने वाला नहीं था as such. तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा स्कोर कर दिया था। मतलब मैंने एमए की पढ़ाई से 140 मार्क्स के अराउंड मेरे मार्क्स आए थे। और फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मेरे एक प्रोफेसर हैं मेरे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आपको ज्वाइन करने के लिए। ओके, ओके, यस। तो फिर मे बी ये 2022 जनवरी की बात है जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और अच्छा। फिर उस हाँ मैंने जनवरी में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने काफी सोचा समझा, आपको काफी ज्यादा सर्च किया। देन उसके बाद मैंने शायद फैब में आपका कोर्स मतलब परचेज कर लिया था। आफ्टर दैट मैंने प्लान किया कि कैसे चीजें करनी है, तो फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया आपके फर्स्ट लेक्चर से, कि फर्स्ट लेक्चर में ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ा रही है, तो मैंने सिक्वेंसली मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर किए। देन साइड बाई साइड में फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ रही थी, तो फिर मैंने सब मैम दोनों चीजें कवर की साथ के साथ। इन जुलाई में मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए थे। फिर उसके बाद मैम मैंने 6 से 7 बार जो है रिवाइज किया, मैं रिवीजन ही करती थी। उसके बाद मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था, मैंने इतना रिवाइज कर लिया था ना कि मुझे लगा यार एग्जाम हो जाए, क्योंकि एग्जाम डिले हो रहा था उस टाइम पे। हाँ, सेप्टेम्बर में है, अब अगस्त में है, ऐसा डिलीवर मुझे ये लग रहा था कि यार एग्जाम हो जाए, अब जो होना है हो जाए। तो फिर एग्जाम अक्टूबर में हुआ, तो मैंने तब तक 7 बार रिवाइज कर दिया था। वाओ वाओ, ये तो एकदम वो वाली बात हो गई। मैंने भी सेम यही स्ट्रेटजी ली थी, क्या है, प्रिपेयर्ड नोट्स एंड देन आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग, एंड मैं भी 7th रिवीजन करके ही पेपर में बैठी। हाँ, फिर साइड बाय साइड में फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रही थी। देन उसके पेपर के लिए आपने हम लोग का कोर्स लिया था? नहीं, आप उस टाइम पे आपसे प्रिपेयर कर, हाँ उस टाइम पे हम लोग पेपर 1 के कोर्सेज नहीं दे रहे थे, राइट? हाँ, उस टाइम पे आप नहीं दे रहे थे।
फिर मैंने फर्स्ट पेपर में ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से ही मोस्टली चीजें कवर की, मैंने कोई बुक ऐसे प्रेफर नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, देन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे. और मेरी एक हैबिट रही थी कि मैं क्वेश्चंस करती थी तो फिर मैं ना नोट्स बनाती थी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं. तो फिर फर्स्ट पेपर मुझे मतलब इजी रहा, मैंने शायद 36 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे फर्स्ट पेपर में. वेरी गुड वंडरफुल. और फिर सेकेंड पेपर तो मेरा 7 बार रिवाइज किया था, तो जब मैं एग्जाम दे रही थी मुझे तभी श्योर हो गया था कि मेरा हो जाएगा इस बार. वाओ वाओ, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है व्हेन यू सी अ क्वेश्चन एंड आपको पता है कि अरे यार ये मैंने एक लाइन से 10 क्वेश्चन सही करे एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरे मेरा मतलब एकदम पैटर्न सही चल रहा है. दैट इज सो नाइस. कॉन्फिडेंट आपको वहीं पे बूस्ट हो जाता है. जी बीच जी में मतलब ऐसा लगा कि शायद चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर जो टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था उसने, क्योंकि चीजें थी कॉन्सेप्ट थे कंफ्यूजिंग चीजें रहती हैं आजकल, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजिंग रहते हैं. तो फिर मुझे लगा कि मुझे 1 आवर एंड 15 मिनट लगा फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने में, लेकिन बाद में जब मैंने सेकेंड पेपर करना स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. जब मैं मे बी इंग्लिश लिटरेचर की 70 क्वेश्चन पे थी तब मुझे मतलब लग गया था कि हो गया सिलेक्शन. आपने जिस तरीके से यू प्रिपेयर्ड एक ही सीक्वेंस में सब करते गए, 7 बार रिविजन किया, सो ये अपने आप में सोचता है कि बिकॉज यू हैड अ वेरी वेल बैलेंस्ड स्ट्रेटजी एंड यू फॉलोड द सेम ट्रैक एंड यू डिड नॉट गेट डेविएटेड इधर उधर की सोशल मीडिया चला लिया, 10 दिन का ब्रेक आ गया पढ़ाई में, ऑल ऑफ दैट नेवर हैपेंड. यू केप्ट ऑन कॉन्स्टेंटली लर्निंग मेकिंग नोट्स, दैट इटसेल्फ शोज दैट यू नो you are a perfect candidate for JRE. Thank you, ma'am. So, और बताइए मेरे को कि I also want to understand from you one more thing that you know a lot of students say that जब preparation वो लोग कर रहे होते हैं तो उनको काफी paper 2 में कई कई areas में challenge आता है. तो was there any challenging area for you as well? No, ma'am. As such मुझे कोई challenges नहीं है आपके notes. Because आपका B.Tech background था तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आई कभी? नहीं मैम, आपने नोट्स इतने अच्छे से मतलब इतने अच्छे से अपलोड कर रखी है सारी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गाइड कर रहा है, बस उसको फॉलो करना है. फॉलो करते जाए. राइट राइट. एंड मतलब आपने और भी कुछ बुक्स वगैरह रेफर करी साथ में? बुक्स नहीं मैम, मैंने लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे आपने तो मतलब टेस्ट सीरीज में दे ही रखे थे, मैंने ऑफलाइन भी मतलब बाय कर रखे थे विद उनके कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एनालाइज कर रखे थे, सब कुछ किया था, तो मैंने सारी चीजें वहीं से कवर की थी. ओके, आपने वहीं से कवर की. एंड साथ में ऐसा मतलब आपने जो फर्स्ट प्रिपरेशन करी थी उस टाइम आपने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के अटेम्प्ट किया था कि सिर्फ चले गए थे अटेम्प्ट? नहीं, फर्स्ट पेपर में एक्चुअली मैंने बुक्स कवर की थी, तो बुक्स में ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कोई थ्योरी है. मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कि इससे आएगा तो क्या होगा, और बहुत ही ज्यादा वास्ट लेवल से तो हम एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो नहीं कर सकते. तो फिर रीडिंग में थोड़ा सा रहा था, लेकिन आप मतलब गाइड कर रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैम को अगर फॉलो करेंगे तो इजीली हो जाएंगी. और इतनी सारी चीजें आपने जो याद रखी, जैसे इतने सारे नॉवेल्स हैं उनकी समरीज है जो मैं बताती हूँ, तो वो सब आपने कैसे याद रखा? मैम नॉवेल्स आपने एक्चुअली कुछ आप नॉवेल्स ऑडियो में भी बताते थे और कुछ आपने नॉवेल्स के PDF मतलब प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप जो ऑडियो में जितने भी नॉवेल्स बताते थे तो मैं उनकी अलग से नोट्स बना के चलती थी कि ये करेक्टर इसकी ये समरी थी, और जो जो मेन करेक्टर थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब लाइन होती हैं कि जो बोली जाती हैं, तो फिर वो मैंने वहां पे मैं पर्टिकुलर एक नोट्स बना के चलती थी कि मैं उनको बार बार रिवाइज करती रहती थी कि ये करेक्टर थे, तो सारी चीजें वहां से मेरी कवर हो चुकी थी. कब हो गई थी उससे? राइट. और बाकी मतलब इन जनरल प्रेपरेशन के अंदर ऐसा कुछ आपको लगा पेपर 1 में कोई चैलेंज जो आपको आया हो, बिकॉज आपने कोई गाइडेंस वगैरह उस टाइम नहीं दी थी, कि पेपर 1 में आपको कुछ लगा कि ये चीज पे मुझे और फोकस करना चाहिए था या ऐसा कुछ भी? नहीं मैम, सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. 2-3 क्वेश्चन मुझे इंडियन लॉजिक के मेरी ही गलती की वजह से गलत हो गए थे, तो फिर मुझे उस 3 क्वेश्चंस थे तो जिनमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, जैसे एलिमिनेशन मेथड में यूज करते हो मैम, तो फिर एलिमिनेशन मेथड में ऐसा हुआ तो 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करे थे, 2 बचे हुए थे उन्हीं में कंफ्यूज हो गए कि ये होना चाहिए, तो वो 3 क्वेश्चंस मेरी ही गलती की वजह से गलत हो गए थे.
बट अदरवाइज आपको पेपर वन में चैलेंज ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा कोई भी उसमें? ग्रेट ग्रेट. और ये भी बताएं मुझे थोड़ा कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपने पेपर टू में कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक्चुअली मैम, आप जब नोट्स देते हो तो आप उसमें पीरियड मेंशन करते हो कि इस पीरियड से इस पीरियड तक. मैं उसके भी एक पर्टिकुलर नोट्स बना के चलती थी. ओके, उसका आपने अलग से याद कर रखा था. हाँ, कि इस पीरियड में ये है, ये राइटर है, इन्होंने ये नॉवेल लिखा हुआ है. तो मैं अगर कोई कोई नॉवेल ऐसे थे जिसमें प्रोवाइड नहीं किया गया था तो फिर मैं उनको गूगल कर लेती थी कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था. तो फिर मैंने उसके ओके नोट्स बना रखे थे. और जैसे मैं खाना खा रही हूँ या फिर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो मैं सोचती रहती थी कि यार ये नॉवल कब आया था, इनका नॉवल था ये कब आया था. तो फिर ये सब चीजें मतलब ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई. नहीं आई. राइट राइट. और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आपने हर चीज के नोट्स बनाए एंड आपने हर चीज को बहुत सिस्टमैटिकली समझते गया, तो उससे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे दिमाग में कई बार खिचड़ी बन जाती है कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, बिकॉज वो सिस्टमैटिक नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि मैं इसको आप किस डायरेक्शन से रिवाइज करूँ. सो दैट वॉज सो नाइस ऑन योर पार्ट टू जस्ट फॉलो दैट वन ट्रैक एंड उसमें आप करते गए करते गए करते गए, एंड परसिवरेंस एंड डेडिकेशन से आपने नेट क्लियर किया. So wonderful. Thank you so much for sharing your story. Means a lot to me and to my team who work so hard to create this content. So jab we see people like you who have done so well in their NET and JRF and who solely relied on our course and unko kahi challenge nahi aaya. So that is a big achievement for us ki humne kisi ki preparation journey, kisi ke life mein ek bahut important role hota hai UGC NET ka, उसको पाने के लिए रास्ता जो है वो बहुत आसान कर दिया. सो दैट इज इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट फॉर यू नो अस. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच डेडिकेशन एंड सो मच डिटर्मिनेशन दैट आपने एक बार में एग्जाम पेपर देते वक्त आपको फील हो गया था कि मेरा तो हो गया है नेट एंड जेआरएफ. सो दैट इज सच अ बिग थिंग. एक्चुअली मैम, जिस दिन एग्जाम था उस दिन मेरा बर्थडे था. ओके, मैंने उस दिन मतलब विशेस आ रही थी, मैंने एक्सेप्ट किया. मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं नर्वस हूँ या कोई भी चीज है. और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भैया का बर्थडे था, तो मैंने भैया को शायद मॉर्निंग से इवनिंग तक विश ही नहीं किया था. तो आई वाज वेटिंग मैं उनको गिफ्ट एक मतलब एज अ प्रेजेंट अपना रिजल्ट शो करूं. रिजल्ट दूं. वाओ, फिर ही वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम. So touching, very nice, बहुत ही बढ़िया. And I wish you all the very best आपके आगे के सारे milestones के लिए. And I'm pretty sure that जैसे आपने net में एक dedication के साथ पढ़ाई करी है, वैसे आप life में हर चीज में यही dedication show करेंगे. And you'll be successful in all the endeavors that you embark on. Great. चलिए, thank you so much for coming with us today. Bye bye. Okay, bye ma'am. Thank you. Bye.